हिंदी सिनेमा में समय समय पर ऐसी अभिनेत्रियां आती रही है जिन्होंने अपने छोटे से करियर में खूब वाहवाही बटोरी। हिंदी सिनेमा में अभिनेत्रियों की सफलता का ग्राफ तब तक ऊपर चढ़ता है जब तक वो कुंवारी रहती है, लेकिन शादी करने के बाद या तो उनका करियर खत्म हो जाता है या फिर धीमा पड़ जाता है, जिसकी वजह से मजबूरन अभिनेत्रियों को बॉलीवुड से दूरियां बनानी पड़ती हैं। ऐसे ही 70 और 80 के दशक की एक अभिनेत्री के साथ हुआ और उनका नाम है पद्मिनी कोल्हापुरी। पद्मिनी अब वक्त के साथ साथ और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई है। आज भी इनकी खूबसूरती के आगे बॉलीवुड की हीरोइन फीकी नजर आती हैं। आज हम आपको इनकी अब की तस्वीरें दिखाने वाली हैं, लेकिन उससे पहले इनके शानदार अभिनय के लिए एक लाइक तो बनता ही है। पद्मिनी कोल्हापुरी का जन्म 1 नवम्बर 1965 में महाराष्ट्रीयन परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम पंडरीनाथ कोल्हापुरी है जो कि एक शास्त्रीय संगीत गायक थे और उनकी माता एक एयरलाइंस में काम करती थी। शुरू से ही गाने की शौकीन पद्मिनी ने पहली बार फिल्म यादों की बारात में अपनी आवाज दी थी। उस समय वो बहुत छोटी थी। इसके बाद उन्होंने विधाता, हम इंतजार करेंगे, सड़क छाप जैसी फिल्मों में गाने गाए। पद्मिनी ने 1977 में आई राज कपूर की फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में जीने तमान के बचपन का किरदार निभाया। इसके अलावा उन्होंने यादों की बारात, किताब और दुश्मन दोस्त जैसी फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया। बतौर लीड एक्ट्रेस उनकी पहली फिल्म 1982 में प्रेम रोग थी। बता दें कि पद्मिनी कोल्हापुरी को सन 1983 में फिल्म फेयर में इन्हें फिल्म प्रेम रोग के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार से नवाजा गया। इससे पहले उन्हें 1981 में फिल्म फेयर में फिल्म इंसाफ का तराजू के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के पुरस्कार से नवाजा गया था। अपनी सफलता के शिखर पर आकर इन्होंने 14 अगस्त 1986 को निर्माता प्रदीप शर्मा से शादी कर ली और बॉलीवुड फिल्मों से ब्रेक ले लिया। उनके बड़े बेटे के बाद उन्होंने बॉलीवुड में दोबारा वापसी की और दो फिल्मों में काम किया, लेकिन दोनों ही फिल्म सिनेमा घरों में फ्लॉप साबित हुई। उन्होंने फिर से बॉलीवुड से दूरियां बना ली। बेशक अब पद्मिनी कोल्हापुरी फिल्मों से दूर रहती हूँ, लेकिन उनके चेहरे की चमक और रौनक बरकरार है। आज भी वो बॉलीवुड की हीरोइनों को खूबसूरती के मामले में टक्कर देती हैं। दोस्तों, आपको पद्मिनी कोल्हापुरी की कौन सी फिल्म सबसे बेहतरीन लगती है? उस फिल्म का नाम हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही बॉलीवुड के इन गुमनामी चेहरों की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।